हाय फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। और हम एक नई केस स्टडी के साथ आ गए हैं आपके सामने। आप देख सकते हो ये आईफोन एक्स आया हुआ है हमारे पास और इसकी टच नहीं चल रही है। तो हमने इसकी डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ चेंज करके देख लिया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पे किसी ने बहुत अच्छे से खेला हुआ है, बहुत अच्छा कांड किया हुआ है इसके साथ। बोर्ड की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है इसका हाई लेवल पे इसका जो है वो रेप किया गया है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे ही किया हुआ है कि किसी ने इसके साथ है ना एकदम से ही बड़ा बेकार तरीके से बिहेव किया हुआ है और बहुत गंदा कर रखा है मदरबोर्ड को, और टच नहीं चल रहा है। तो हम कुछ चेक भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कैमरा वर्किंग है कि नहीं, नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। तो पहले हमें इसका जो है टच वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेटर करने के लिए हम मैकेनिक का प्रीहीटर यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रीहीटर होता है, ऑटोमेटिक सारा इसके अंदर सेट होता है, टेम्परेचर टाइमिंग सब कुछ, उतने टाइम में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो हमें मुश्किल से एक 1 मिनट या 60 सेकंड का वेट करना होगा, उतने में ये सेपरेट हो जाएगा बोर्ड। और वाकई में बहुत गंदा है, आप लोग भी देख सकते हो इसकी सारी शील्ड वगैरह सब कुछ कैसे कर रखा हुआ है। तो जो मेरे भाई हैं टेक्नीशियन भाई, वो देख के वीडियो में समझ गए होंगे कि इसके साथ क्या हुआ है। और पेस्ट बहुत भर रखा है, PPD भी है अंदर इधर उधर। तो सबसे पहले तो इसको क्लीन करना पड़ेगा और वो भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है। और कभी भी अगर आप क्लीन करें ना मदरबोर्ड, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आजू बाजू जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विक में लग के ना आ जाए। और दूसरी बात क्या होती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप उसको प्रेशर दोगे तो सैंडविच बोर्ड है, बेंडिंग आएगा। तो एकदम प्यार से, जैसे आप किसी को प्यार करते हो ना, ऐसे प्यार से ही साफ़ करना है किसी से भी, जो जिससे भी आप प्यार करते हो। और इसको हम क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद इसकी हालचाल देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वैसे अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे अगर वीडियो चाहिए हो या किसी भी आईफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट में आके और कमेंट कर सकते हो, उगल सकते हो आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अगर आप कुछ चाहते हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कोई नई प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हमारे पास डेली जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है वो आती रहती हैं, तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें उससे स्ट्रेंथ मिलता है, हमें ताकत मिलती है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अभी हम फिर से केस पे आते हैं, आउट ऑफ ट्रैक चले गए थे। हमने बोर्ड ठीक से क्लीन किया है लेयर इसकी, और देख सकते हो आप थिनर से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने इतना पार्ट थोड़ा सा फास्ट किया है बिकॉज़ ऑफ क्योंकि ये क्लीनिंग का वीडियो है। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो लेयर क्लीनिंग से रिलेटेड हैं, आप उसको देख सकते हो। हमें फ़िलहाल इसकी जो समस्या है उसको दूर करना है, जो कि टच नहीं चल रही है। तो सेम हम ऊपर वाला बोर्ड भी ऐसे ही साफ़ करेंगे जैसे हमने नीचे वाला किया था। कॉइल वगैरह भी ठीक है, कंपोनेंट सारे ठीक दिख रहे हैं, ये तो अच्छा है। इसको ज़्यादा किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, थोड़ा बहुत ही दिया है, रिकवर हो सकता है ये पेशेंट। और हम फिर से इसको जॉइंट करेंगे क्योंकि हमें यही लग रहा है कि जॉइंटिंग का ही प्रॉब्लम है। तो इसको रिवॉल्व करने के लिए 3D स्टेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल स्टेंसिल भी आती है, उससे भी होता है, लेकिन 3D में थोड़ा सा कम्फर्टेबल होता है। जिस मशीन का उपयोग हमने इसको अलग करने के लिए यानी सेपरेट करने के लिए किया था, उसी मशीन से यानी उसी सेपरेटर से हम इसको रिबॉल करेंगे। तो ये लो टेम्परेचर PPD है, लो टेम्परेचर PPD ही यूज़ होती है, चाहे वो 14 प्रो मैक्स हो या 15 प्रो मैक्स हो। 138 डिग्री यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। 148 डिग्री भी अच्छी होती है, लेकिन हमें 138 डिग्री ही यूज़ करनी है क्योंकि ये लेयर को लूज़ नहीं होने देती है। तो जैसा आपने देख लिया, PPD मैंने फिल कर दी है, सारे वॉल्स में हो गई है। इसको थोड़ी देर तक ट्वीजर से होल्ड करके रखे, हाथ से मत पकड़ें, गर्म होगा, जल जाओगे, बाद में कहोगे बताया नहीं। तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। और सारी बॉलें ऑटोमेटिक बनती हुई आ रही हैं, देखिए अब आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट रिबॉल हो चुका है। इसमें 3D स्टेंसिल में एक और प्रॉफिट होता है कि बॉल्स है ना थोड़े से बड़े बनते हैं। हमने मशीन बंद कर दी है, थोड़ी देर होल्ड रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ जो PPD है वो अभी ड्राई नहीं हुई है, तो इसीलिए थोड़ी देर स्टेंसिल को पकड़ के रखें क्योंकि हिल जाएगा तो बॉल सारा ख़राब हो जाएगा।
और थोड़ा सा फ्लक्स लगा दें जिससे कि हम जब बोर्ड को चिपकाएंगे तो शेक करने में आसानी होगी। ये ब्लोअर मैंने इसलिए इस पे मारा है क्योंकि थोड़ा सा जो पेस्ट है ना वो स्प्रेड हो जाए। अब बोर्ड भी ठंडा हो गया है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। बोर्ड जब नीचे वाला बोर्ड ठंडा हो जाए, पीपीटी हार्ड हो जाए, तो आपको ऊपर वाला बोर्ड रखना है उसके ऊपर और मशीन को ऑन कर देना है बोर्ड को सेट करके। देखिए अब मैं मशीन ऑन करूँगा, जैसे ही ऑन करूँगा तो वो रेड लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगेगी और बोर्ड को है ना एकदम एक्यूरेट रखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा रखें, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब मशीन चालू हो चुकी है, वेट करना पड़ेगा हमें 60 सेकंड मिनिमम, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिले मैं यही ट्राई करता हूँ क्योंकि सभी का टाइम जो होता है वो कीमती होता है। तो फिर से आ गए हैं इसकी बॉडी पे और फिटिंग करेंगे, देखेंगे हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसकी टच आईसी या इसके वोल्टेज वगैरह सब चेक करेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हो जाना चाहिए। यहाँ पे ना एक एंटीना आता है वो बहुत परेशान करता है, ये वाईफाई का एंटीना है। इसको उठा के ही बोर्ड को अंदर डालना चाहिए। अगर आप इसको, बहुत लोग गलती करते हैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये दिखता ही नहीं है किसी को ना, तो इसको लोग छोड़ देते हैं, बट आप नहीं छोड़ना क्योंकि अब मैंने बता दिया है तो आपको पता चल गया है। और काम में ना थोड़ा साफ़ सफाई रखो तो काम बिगड़ेगा नहीं। थोड़ा दो मिनट ज़्यादा लग जाए और तो क्या होगा, तो जो काम करो वो ढंग से करो एकदम। सारे फ्लेक्स एकदम, जब भी आप फ्लेक्स लगाओ तो उसमें पुट साउंड आता है, वो पुट साउंड आना चाहिए, है ना, जो पुट है वो साउंड आना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपका फ्लेक्स एकदम करेक्ट लगा है। नाउ टाइम टू चेक, डिस्प्ले लगाएंगे और चेक करेंगे ये चला या नहीं चला। अगर नहीं चला तो फिर हम इसके वोल्टेजेस वगैरह सारे चेक करेंगे, देखते हैं टच चलती है कि नहीं चलती है। कई कई बार तो बोर्ड चिपकाने में बोर्ड शॉर्ट भी हो जाता है, तो वो भी देखना है कि शॉर्ट वगैरह हुआ कि नहीं हुआ है। सारी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से लगा रखी है अब, और टाइम टू ऑन, वाह गुड, लोगो आ गया, मतलब कि शॉर्ट वर्ट तो नहीं है। और देखते हैं नॉर्मल टाइम में ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि नॉर्मल टाइम पे ऑन होता है कि नहीं। अरे वाव, ये टच चल गया, इसमें कोई पासवर्ड भी नहीं है, तो आप देख सकते हो कि ये चल पड़ा है पूरी तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।